नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई तक है, लेकिन फिर भी कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि लॉकडाउन क्या आगे बढ़ाया जाएगा या फिर सारी चीज़ों में ढील दे दी जाएंगी। ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि 3 मई के बाद क्या होगा, पर आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी। बैठक में कई जिलों में छूट मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही थी। 4 मई से नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, मंत्रालय में ये बात पर विषय भी चल रहा था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके ये बताया है कि कोरोना से लड़ने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस ट्वीट से लॉकडाउन में राहत की उम्मीद जताई जा रही है, मगर एक तरफ लॉकडाउन बढ़ने के आसार भी बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 3 मई तक सख्ती जरूरी थी, नई गाइडलाइंस में कुछ राहत मिल सकती है, ग्रीन जोन में ढील दी जा सकेगी, खेती और किसानों को भी छूट मिल सकती है। इससे पहले बंगाल सरकार ने ग्रीन जोन में छूट दे दी है और पंजाब सरकार ने भी लोगों को सामान खरीदने की पूरी छूट दी है, लेकिन सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक ही रजिस्टर्ड दुकानों को खोला जाएगा। हालांकि 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइन से लॉकडाउन की सख्ती सुधारी जा सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन 3 की घोषणा कर देगी या लॉकडाउन का ये विषय 3 मई को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।